हेलो डेसमंड, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सर क्या पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 2, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम NIT बोलेंगे आगे चल के। ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में बहुत काम आने वाला है जब हम नेशनल इनकम वगैरह की बातें करेंगे, तो वो चैप्टर हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले आता है मीनिंग। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि पहले इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स या नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से कुछ चीज माइनस करनी होगी तभी नेट आएगा। नेट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ग्रोस, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो आया गवर्नमेंट के पास, उसमें से क्या माइनस करे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी यानी इंसेंटिव देती है कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं उनको। तो अगर वो सब्सिडी माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स में से तो क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इट इज ए डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, यानी इसका फॉर्मूला बन जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दो, सब्सिडी माइनस कर दो। यानी जैसे मुझे मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आज के टाइम पे, उसको सब जानते हैं, जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। तो जीएसटी, तो मेरे को जीएसटी पे करनी है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे जीएसटी पे करनी है, ठीक है। जीएसटी पे करनी है, जो सब्सिडी मुझे मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंसेंटिव मुझे मिले वो मैं माइनस कर देता हूँ। तो नेट गवर्नमेंट को क्या देना है वही निकाल रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब आते हैं इसके कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक होता है सब्सिडी क्या होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा रखा है, ठीक है ना, गुड्स पे और सर्विसेज पे टैक्स लगा रखा है। जो टैक्स लगा रखा है उसी का नाम क्या है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना। ये 2017 में लगाया गया था। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब क्या होता है, इंसेंटिव। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो जीएसटी पे करते हैं उनको कुछ इंसेंटिव देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट वो इंसेंटिव जो दे रही है, अगर हम क्या करें, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में से वो माइनस कर दे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर दो, सब्सिडी माइनस कर दो। कंपोनेंट दो, एक इनडायरेक्ट टैक्स और एक सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी, ठीक है ना। इसके अलावा सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है उन लोगों को जो जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। ये था पॉइंट नंबर 9, एक बार इसको लिख लो। इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 3 और 4 के लिए रेलिवेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। अब आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये भी चैप्टर नंबर 3 और 4 में काम आने वाला है, तो अच्छे से तरीके से देखेंगे। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसका मीनिंग सबसे पहले, इट इज द डिफरेंस, किसका किसका डिफरेंस है, ठीक है ना, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। यानी कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, है ना, भारत का रहने वाला हूँ, तो मैं, ठीक है ना, जो भी फैक्टर इनकम मुझे मिलती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया को छोड़कर पूरे वर्ल्ड से, ठीक है ना, जो फैक्टर इनकम मिलती है और जितनी भी फैक्टर इनकम मैं पे करता हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को छोड़कर, है ना, उनका डिफरेंस ले लो, उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम अब्रोड से मिली कितनी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया को छोड़ के, है ना, और पे कितनी की है, ठीक है ना, बात खत्म, उसका डिफरेंस ले लो, उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आई होप क्लियर होगा। आज की क्लास में यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये था अपना चैप्टर नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जाके पार्ट वाइज सारे वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना, पार्ट 1, 2, 3 ऐसे, ताकि 100% बेनिफिट मिल सके। वीडियो लंबे चौड़े नहीं बनाए गए हैं, 2-2 घंटे के घंटे के वीडियो नहीं बनाए गए हैं। उसका रीजन है बिकॉज स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक 2-2 घंटे के वीडियो देख सके, इसलिए वीडियो बनाए गए हैं बहुत छोटे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक मैक्सिमम, ताकि जब भी आपको 5-10 मिनट लगे आप तुरंत एक बार वीडियो देख लो, बात खत्म, उसके नोट्स बना लो, तो एकदम बढ़िया तरीके से आपका चैप्टर हो जाएगा। जब भी रिविजन करने का मन करे, ठीक है ना, बस आप वीडियो लगा के कान में लीड और बैठ जाओ, ठीक है, सुनते रहो चीजें, 2-4 बार रिविजन किया, बात खत्म,
ओके क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 3 के वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि क्या आपको ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस हद तक आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई वीडियो में। बाय।